वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टेक्निक लकलिस्ट। तो गाइस आज की वीडियो में हम बात करेंगे वीवो के Y21s फोन में किसी भी एप्लीकेशन को लॉक करें फिंगरप्रिंट के साथ। गाइस अगर आप भी अपने फोन में किसी भी एप्लीकेशन को लॉक करना चाहते हो फिंगरप्रिंट के साथ, हम यहां से बिल्कुल आपको सेटिंग करके बताएंगे। आप यहाँ से किसी भी एप्लीकेशन को लॉक कर सकते हो, वो भी गाइस फिंगरप्रिंट के साथ में बिल्कुल। तो आपको देखिए कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करना, जो मैं बताऊंगा आपको यहाँ से बिल्कुल अपने फोन की सेटिंग से बताऊंगा। सिर्फ आपको यहाँ पे सेटिंग को फॉलो करना और आप यहाँ से किसी भी एप्लीकेशन में फिंगरप्रिंट लॉक को यहाँ से ऐड करेंगे तो आपको बिल्कुल सेटिंग से ही। गाइस तो वीडियो को स्किप ना करना, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड गाइस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हम चलते कंटिन्यू वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहां देखिए एल्बम को अपने ओपन करते हैं और यहां पे कोई भी लॉक ऐड नहीं है। पहले हम यहां पे पिन ऐड करके दिखाएंगे और उसके बाद यहां पे फिंगर भी ऐड करके आपको दिखाएंगे। यहां देखिए बैक आना, आपको देखिए सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने में थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है और यहां आपको मिलेगा सिक्योरिटी का ऑप्शन, यहां पर गाइस क्लिक करना और यहां से थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना आपको और यहां आपको मिलेगा प्राइवेसी एंड ऐप इंक्रिप्शन, यहां पर गाइस क्लिक करके अब यहां पे आपको प्राइवेसी का पासवर्ड अपना ऐड कर देना है। पासवर्ड जब ऐड करेंगे आपको मिलेगा ऐप इंक्रिप्शन, यहां गाइस क्लिक करके अब जिस एप्लीकेशन को यहां पे फिंगरप्रिंट के साथ लॉक करना चाहते हो उस एप्लीकेशन को आप यहां से कर सकते हैं। हम देखिए एल्बम को करने वाले फिलहाल, यहां देखिए एल्बम पर गाइस हम क्लिक किए और अब यहां से बैक आ जाना है और हम देखिए एल्बम को ओपन कर रहे हैं। यहां पर हमारे फोन के एल्बम में पिन लॉक ऐड हो चुका है लेकिन बट यहां पे फिंगर लॉक ऐड नहीं हुआ है। यहां से बैक आना, फिर से सेटिंग में चले जाना है और थोड़ा सा स्क्रॉल करके यहां पे आपको मिलेगा फिर से सिक्योरिटी का ऑप्शन, सिक्योरिटी पर गाइस क्लिक करना है। यहां पर गाइस जब क्लिक करेंगे और यहां से स्क्रॉल डाउन करना आपको मिलेगा फिंगरप्रिंट का ऑप्शन, यहां गाइस क्लिक करना है और अपने स्क्रीन लॉक का पिन यहां पे एंटर कर देना है। हम देखिए स्क्रीन लॉक का पिन एंटर करते हैं, आपको मिलेगा रजिस्टर फिंगर का ऑप्शन, यहां पर गाइस स्टार्ट पे क्लिक करके और आपको यहां पे अपना फिंगर यहां पे ऐड करना है। तो देखिए मैं यहां पे अपना फिंगर यहां पे रजिस्टर कर रहे हैं, उसके बाद दिखाते हैं एप्लीकेशन लॉक में हमारा फिंगरप्रिंट लॉक ऐड हुआ या नहीं ऐड हुआ। तो यहां देखिए हम फिंगरप्रिंट हमारा यहां पर पूरा ही होने वाला है, जब यहां पे पूरा हो जाएगा उसके बाद ही यहां पे ऐड होगा, नहीं तो ऐड नहीं होगा। तो यहां देखिए हो चुका और यहां पे आपको मिलेगा डन का ऑप्शन, डन पे गाइस क्लिक कर देना है और यहां आपको मिलेगा अनलॉक, उसके नीचे मिलेगा प्राइवेसी एंड ऐप इंक्रिप्शन, यहां पर गाइस क्लिक करके आपको यहां पे प्राइवेसी का पासवर्ड अपना ऐड कर देना है। पासवर्ड ऐड करेंगे और यहां से देखिए बैक आ जाना है। अब बैक आ चुके और यहां देखिए आपको मिलेगा एल्बम, एल्बम पर गाइस हम क्लिक कर रहे हैं, हमारे एल्बम में प्लीज वेरीफाई योर फिंगरप्रिंट, यहां पे फिंगरप्रिंट लॉक ऐड हो चुका और यहां पे यूज पासवर्ड और हमारे फोन के एप्लीकेशन लॉक में यहां पे पासवर्ड भी ऐड है। तो हम फिंगर भी लगा के अपना लॉक ओपन कर सकते हैं एंड गाइस पासवर्ड भी डाल के अपना लॉक यहां पे ओपन कर सकते हैं। तो देखिए हम यहां पे फिंगर को अपने यहां पे टच किए और हमारे फोन का लॉक यहां पे एप्लीकेशन लॉक खुल के ओपन हो चुका है। तो आप ऐसे सेटिंग करके अपने फोन में किसी भी एप्लीकेशन को लॉक कर सकते हैं, वो भी गाइस फिंगरप्रिंट के साथ में। आई होप गाइस अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड गाइस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।